राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब सभी की नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव पर हैं, जिसके लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले ही टीएमसी विपक्षी मोर्चे से किनारा करती दिख रही है, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करती दिख रही है। ममता ने अचानक ही सरेंडर कर दिया है, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो खुद मुश्किल में फंसती दिख रही है। क्या ईडी से डर गई है टीएमसी? राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव, ममता की खामोशी के पीछे क्या राज है? यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के पसंद थे, बावजूद इसके ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं करने दिया और न ही टीएमसी ने उनके लिए प्रचार किया। जितने वोट बंगाल से यशवंत को मिलने थे उससे कम वोट मिले और अब टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस इसे ईडी का डर बता रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के कई नेता ईडी की जाँच में फंसे हुए हैं, पार्टी के कई नेता जेल में हैं। इस बीच एक फोटो भी इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है जो करीब 10 दिन पुराना है। फोटो दार्जिलिंग गवर्नर हाउस का है, जिसमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बैठे दिख रहे हैं। तीनों के बीच 1.5 घंटे मुलाकात चली थी। इसके बाद टीएमसी ने ना तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को तय करने के लिए बुलाई गई विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया और न ही अब विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। इसे लेकर विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने कहा कि टीएमसी को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला निराशाजनक है। ये समय अहंकार या क्रोध का समय नहीं है, ये समय साहस, नेतृत्व और एकता का है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी, जो कि साहस की प्रतिमूर्ति हैं, विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। हम टीएमसी की तरफ से लिए गए इस फैसले का कारण पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो टीएमसी और बीजेपी में गुप्त समझौते का ही आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी से बचने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के सामने कर दिया है सरेंडर? डीवी लाइव की रिपोर्ट।